दोस्तों इन दिनों टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस आदित्य शर्मा टीवी शो ये जादू है जिनका शो में रोशनी का किरदार निभाते हुए नजर आ रही है। साथ ही फैंस भी इस सुपरनेचुरल शो को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। वहीं शो में रोशनी के किरदार को भी काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हो कि रोशनी का किरदार आदित्य शर्मा से पहले टीवी की 5 पॉपुलर एक्ट्रेस को ऑफर हुआ था, लेकिन किसी न किसी कारणवश इन अभिनेत्रियों ने इस किरदार को करने से इनकार कर दिया था। तो दोस्तों इन अभिनेत्रियों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। फर्स्ट नंबर पे है आदिति राठौर। शो नामकरण से फेमस हुई आदिति राठौर को भी शो ये जादू है जिनका में रोशनी का किरदार ऑफर हुआ था। साथ ही शो मेकर चाहते थे कि आदिति ही रोशनी के किरदार को निभाए, लेकिन आदिति को ये किरदार कुछ खास पसंद नहीं आया, जिसके कारण आदिति राठौर ने इस किरदार को रिजेक्ट कर दिया। सेकेंड नंबर पे है सनाया ईरानी। छोटे पर्दे की पॉपुलर एक्ट्रेस सनाया ईरानी को भी रोशनी का किरदार अप्रोच हुआ था, लेकिन अपने दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी होने के कारण सनाया ईरानी ने भी इस किरदार को ठुकरा दिया था। थर्ड नंबर पे है सुरभि ज्योति। कई पॉपुलर शो का हिस्सा रह चुकी सुरभि ज्योति को भी रोशनी का आइकॉनिक किरदार ऑफर हुआ था, लेकिन सुरभि इस किरदार में फिट नहीं हो पाई, जिसके बाद सुरभि को मून प्रिंसेस का किरदार ऑफर हुआ, जिसे वो आज बखूबी निभा रही हैं। फोर्थ नंबर पे है जिया मानिक। शो जीनी जूजू से फेमस हुई जिया मानिक को भी रोशनी का किरदार ऑफर हुआ था, लेकिन वह इस किरदार में फिट नहीं हो पाई, जिसके कारण शो मेकर्स ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद ये किरदार आदित्य शर्मा को ऑफर हुआ, जिसे वो आज बखूबी निभा रही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इन अभिनेतियों ने रोशनी के किरदार को ठुकरा कर सही किया या गलत, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।